दरबार मूव हमारी पहली तरजीह। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर ए आला सुरिंदर कुमार चौधरी। इसके अलावा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है जिसे हल करने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पित हैं। सुरिंदर चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर की पुरानी वकार को बहाल करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम पूरी अजम के साथ जम्मू कश्मीर की वकार को फिर से जिंदा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। गृह मंत्री ने कहा था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ जाएंगे, राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। आज हालात पूरी तरह मामूल हैं। लाखों लोगों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी से चुनाव मुकम्मल हुए। अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार अपना वादा पूरा करे और राज्य का दर्जा बहाल करे। ये हमारा जायज हक है और हम वही मांग रहे हैं जो पहले ही हमसे वादा किया गया था। दरबार मूव तो प्रायोरिटी है हमारी। उसके बाद जहां तालक है बेरोजगारी का, वो बड़ा इशू है। और कल भी मैंने कहा कि जितने भी पोस्ट हैं वेकेंट हैं, सीएम साहब ने कहा उसको। कल भी जब हमारी एक मीटिंग, जब मैं जम्मू के लिए निकला तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की एक रिव्यू मीटिंग सीएम साहब ने बुलाई थी, उसमें सारे हमारे मिनिस्टर थे, हम सब बैठे थे, तो उसमें भी ये डिस्कस हुआ। सबसे बड़ा बेरोजगारी का मसला है, रोजगार, बच्चों के रोजगार का मसला है, हमारे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, हॉस्पिटलों का मसला है, स्कूलों का मसला है, तामीर और तरक्की के मसले हैं। और सबसे बड़ा कि हमारा जो आपस में भाईचारा है, ये वो जम्मू कश्मीर जहाँ शेर और बकरी ने गेठा पानी पिया है, उस रवायत को हमने कायम रखना है, उसी रवायत को आगे चलाना और हमारे इस जम्मू कश्मीर को दोबारा अपने एक वो जो उसकी आन बान शान है उसको रिवाइव करना है। और जैसे हमने दोबारा से, क्योंकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें बाहर के लोगों को नहीं देंगे लेने देंगे, जम्मू कश्मीर का रोजगार हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, तो उम्मीद करते हैं वो उस वादे को निभाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही माहौल ठीक होगा हम जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट का दर्जा देंगे। और आज हालात ठीक हैं, खुद वो गवर्नमेंट कह रही है, दिल्ली की सरकार कह रही है कि भाई जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शन हुआ है, इसमें जो हमारा जो भारी पोलिंग हुई है उससे ये सारे सरकार जब बनी है तो इसका हालात ठीक है, तो अब उनको जल्दी से जल्दी स्टेट देनी चाहिए और अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो सर कोई रेजोल्यूशन भी पास हुआ है स्टेट वापस देने? नहीं, वो तो हमने एक चिट्ठी लिखी है कैबिनेट मीटिंग में, हमने उमर साहब जाएंगे, अब दिल्ली जाएंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, और भी जो सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर हैं उस कैबिनेट में, उनको मिलेंगे। और क्योंकि ये हक है हमारा, ये कोई हम नजायज डिमांड नहीं मांग रहे, ये वो हक है जो उन्होंने खुद वादा किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि नेशन, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो हुआ, हमने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, एक दूसरे पे चला एक, लेकिन वो इलेक्शन से पहले था। अब जब सरकार बन गई और जब मैं भी वोट ले चुका हूँ, सारी सरकार बन चुकी है, अब हमारी भी जिम्मेवारी है, उनकी भी जिम्मेवारी है। और हमारी जिम्मेवारी है कि हमने स्टेट चलाना है, देश को मजबूत करना है, और उनकी जिम्मेवारी यह है कि जो वादे उन्होंने किए हुए हैं जम्मू कश्मीर के साथ, रोजगार के मसले में, हमारी ज़मीनों के मसले में, हमारी स्टेट के मसले में, तो पूरा करेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद है कि स्टेट फूड जल्दी मिलेगा? लगता तो ये, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तो इसलिए हमें उन पे भरोसा है और जल्दी करेंगे, क्योंकि वो भी लोगों की चुनी हुई सरकार है दिल्ली में, हम भी लोगों के चुने हुए लोग हैं, तो हम भी एक लोगों की आवाज़ हैं, वो भी लोगों की आवाज़ हैं। और उनको ये समझना चाहिए कि अब वो खुद महसूस करते होंगे कि इलेक्टेड सरकार आ गई है, हम नॉमिनेटेड तो हैं नहीं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे पीछे हज़ारों की तादाद में वोट हैं, तो वैसे जितने लोग जीत गए हैं उनके पीछे भी हज़ारों के वोट हैं, लाखों लोगों ने जम्मू कश्मीर में वोट डाला। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, जिसको हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते हैं, इसकी खूबसूरती यही है कि लोगों के जो हक हैं, जेन्युइन हक हैं, जो हकूक हैं, वो उनको मिलने चाहिए। तो हमारा ये हक है जम्मू कश्मीर का कि हमें